श्री गणेशाय नमः। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन साल 2023 में मकर संक्रांति की सही तिथि को लेकर थोड़ा संशय है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में गोचर 14 जनवरी को रात्रि 8:21 पर करेंगे और शास्त्रों में उद्या तिथि के अनुसार पर्व की तिथि निर्धारित की जाती है। इसलिए उद्या तिथि के अनुसार संक्रांति पर्व 15 जनवरी 2023 रविवार के दिन मनाना शुभ एवं फलदायी माना जा रहा है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने की सही विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर तिल के उबटन से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात आप अपने पूजा के स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। ध्यान रहे, अपने पूजा स्थल पर भगवान सूर्य की प्रतिमा रखें, क्योंकि यह पूजा सूर्य देव को समर्पित है। पूजा की थाली में 4 काले और 4 सफेद तिल के लड्डू रखें, साथ ही रोली और फूल और कुछ पैसे भी इसमें रखें। साथ ही थाली की पूजन सामग्री में चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, शुद्ध जल, पान के पत्ते, फूल और धूप रखें। अब आप इस थाली में रखे हुए तिल के लड्डू और मिठाई को अपने पूजा स्थान में रखी हुई भगवान सूर्य की प्रतिमा को अर्पित करें। भगवान सूर्य को प्रसाद चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। आरती के बाद उन्हें अर्घ्य देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्घ्य देते हुए आपको उघ्रिणी सूर्यादित्याय नम इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद सूर्य देवता को नमस्कार कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।